मैसेनाथ मूर्ति के पास हुआ और काफ़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं बर्मा में, जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों को प्रत्याचार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग जमा है, पत्रकार भी हैं, लेकिन पुलिस जो है वो इन्हें म्यांमार एम्बेसी तक नहीं जाने दे रही है, वहाँ जाना चाहते थे। आइए लोग से बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सरफराज नाम है मेरा। क्या क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये जो ये बर्मा में कत्लेआम हो रहा है वो बंद हो, ठीक है ना? क्या क्या वजह लग रही है इसकी? ये वजह ये लग रही है कि निर्दोष लोगों को इस तरह से मारा जा रहा है और भारत में उनको मतलब डिपोर्ट करने की बात हो रही है, तो ये बहुत ही गलत है क्योंकि वहाँ पे इस प्रकार से हिंसा हो रही है, तो वहाँ पे सही नहीं है, उनको भेजना भी, हाँ उनको शरण देनी चाहिए। और ये हम महाराज हैं, इनको लगता है कि रिपोर्ट क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है आप लोग, क्या चाहते हैं आप? कत्लेआम बंद हो और क्या है? भारत सरकार से क्या मांग? भारत सरकार इसमें जो है बीच में कार्रवाई करे, सपोर्ट करे हमारी सरकार का। आपका जो रवैया है उसे क्या क्या आप लोग खुश हैं या लगता है कि सरकार हमारी खामोश है, वैसे कत्लेआम कर रही है, उसको देख नहीं रही, हम सबको उग्रवादी घोषित कर देती है धीरे धीरे में, ये कत्लेआम खुलेआम हो रहा है, इसको क्या देख रही है सरकार? भारत सरकार से क्या मांग कर? भारत सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें जाके जो भी एक्सरसाइज करना है वो करें। लगता है कि अभी प्रधानमंत्री म्यांमार गए थे और जो कदम उनको उठाने चाहिए पड़ोसी राज्य के तौर पर, पड़ोसी देश के तौर पर, वो नहीं उठाए हैं वो, तो भारत सरकार के रवैये से भी लोगों में नाराजगी है। और अभी जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री मोदी बर्मा गए थे, उसके बाद आगा सान सू की से उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद से भी वो हिंसा जारी है। भारत एक पड़ोसी राज्य है, उस पड़ोसी देश है बर्मा से, म्यांमार से, और इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो रोहिंग्या मुसलमान भारत में आ रहे हैं उनको जगह दी जानी चाहिए। वही पूरा मामला उच्चतम न्यायालय ने भी कहा में है, सरकार जो है वो कई तरह के टेलीविजन बहस हो रही है। भारत सरकार से क्या मांगे आप लोग? भैया जो बर्मा में जुल्म हो रहा है वो उसके खिलाफ भारत भी आवाज़ उठाए और जो लोग बर्मा के इंडिया में आ चुके हैं उनको पूरी सपोर्ट दे, उनकी सारा खाना खर्चा इंडिया के प्रधानमंत्री जी से हमारी गुजारिश है कि उनके लिए इंतजाम करें। ऐसे तो कोई किसी का साथ नहीं देगा तो पूरी दुनिया में जुल्म चलता रहेगा। सरकार का रवैया ठीक नहीं है अभी तक तो कुछ सामने आया नहीं है सरकार का रवैया। जब मोदी जी वहाँ पहुँचे थे तो इन्हें देखना चाहिए था भाई, चीन से होके बर्मा पहुँचे हैं तो इन्हें फिक्र लेनी चाहिए थी कि दुनिया में क्या हो रहा है। जब देश के हमारे प्रधानमंत्री 40 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, ये लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमारे मोदी जी को भी चाहिए कि हमारी बात को सुने, है नहीं है? तो ये देखिए लोगों की मांग है, भारत सरकार से भी खासकर अपील है कि वो इस पूरे मसले को ह्यूमन मानवीय पहलू से देखे और जो मुसलमान वहाँ से आ रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान खासकर, उनको शरणार्थी के तौर पर दर्जा दे, उन्हें जगह मिलनी चाहिए, ये इनकी मांग है। और इसके लिए क्या लग रहा है आपको कि सरकार का जो रुख होना चाहिए था वो बहुत बेहतर नहीं है भारत सरकार? नहीं है बिल्कुल बेहतर नहीं। क्या मांग करते हैं आप लोग भारत सरकार? हम ये मांग करते हैं, ये कत्लेआम बंद होना चाहिए, बस ये जो कत्लेआम हो रहा है ना म्यांमार में, ये बंद होना चाहिए और इस सरकार के खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए सबको मिलकर एक साथ। भारत सरकार क्या करना चाहिए? भारत सरकार को इसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए जरूर। तो देखिए भारत सरकार खासकर जो शरणार्थी का मामला है, आप लोग भारत सरकार से क्या मांग कर रहे हैं जी? हमें भारत सरकार से बोला ये मांग है कि और बंद करें अपना बंद करें इस मामले को, वो भी आवाज़ उठाएं, तो एक एक बहुत ही सिंपथी है, पूरी दुनिया में सिंपथी है जिस तरह से बर्मा में कत्लेआम हो रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि भारत चूँकि पड़ोसी देश है तो उनको लग रहा है कि इस पूरे नज़रिए को, पूरे मामले को मानवीय तौर पे देखा जाना चाहिए और जो वहाँ से शरणार्थी आ रहे हैं उनको भारत में जगह मिले, और इसलिए भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और लगातार जो लोग हैं वो चाहते हैं कि बर्मा को लेकर सरकार संवेदनशील हो, भारत सरकार संवेदनशील हो, बांग्लादेश में उनको जगह दी जा रही है,
बैरिकेड लगा दिया है और काफी क्या क्या भारत सरकार से क्या डिमांड है? नेशनल तक भारत सरकार से सिर्फ एक ही डिमांड है, जैसे और बाकी जगह के शरणार्थियों को जगह दी है ऐसे इन लोगों को भी जगह दी जाए, इंसान है वो भी जैसे बाकी इंसान। क्या लगता है कि भारत सरकार जो है वो मानवीय दृष्टिकोण से फैसला नहीं कर पा रही? हाँ बिल्कुल नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी उसको समझ नहीं आ रहा है, वो पता नहीं किस सोच को लेकर चल रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा जो भारतीय मुसलमान है जो भारत में रहने वाले हैं वो कह रहे हैं कि जो भारत की सरकार है उसको मानवीय दृष्टिकोण से फैसला लेना चाहिए और जो शरणार्थी आ रहे हैं उनको जगह देनी चाहिए। पुलिस के भी ठीक ठाक इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं और संभव है कि इससे आगे उन्हें नहीं बढ़ने दिया जाएगा और काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की भी तैनाती हुई है और बर्मा को लेकर लगातार पूरी दुनिया में हलचल है। भारत में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोलकाता में प्रोटेस्ट हुआ है, लुधियाना में प्रोटेस्ट हुआ है और तमाम बड़े शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इससे साफ है कि जो बर्मा में जिस तरह से एक मैसकेयर जिसको कहा जा रहा है वो जिस तरह से हो रहा है, उसके बाद खासकर मुस्लिम समाज में एक सिंपथी की लहर है और भारत के जो मुसलमान हैं वो चाह रहे हैं कि जो वहाँ से लोग निर्वासित हो रहे हैं उनको यहाँ शरणार्थी का दर्जा दिया जाए। पाकिस्तान की मीडिया ने उसको ऐसा कर दिया है कि जैसे वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, बर्मा और आज यहाँ इतने दूर से हमारे फोटो ले रहे हैं, लगता है कल से सारे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों से जो लोग आए भारत में टेलीविजन चैनल डिबेट कर रहे हैं कि वो लोग आतंकी थे और उनको भारत में नहीं आने देंगे, उस पर क्या प्रतिक्रिया आप लोग? हम भारत में उन लोगों का विरोध कर रहे हैं बर्मा के जो फौजी हैं, वहाँ के जो भूतिश आतंकवादी हैं। मैं टेलीविजन चैनल के बारे में पूछ रहा हूँ, भारत में टेलीविजन चैनल दिखा रहा है कि मुसलमानों को नहीं आने देना चाहिए, ये उनका कुछ चैनलों का डिवेंडा जो गोदी मीडिया है ना, जो गोदी मीडिया है वो खेल रही है उनका बहस। अगर बहुत सारे इस तरह के हालात आई है, मानवता इंसानियत को बचाने के लिए वो लोग संघर्षरत हैं।